दोस्तों ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बीसीसीआई ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत बनाम इंग्लैंड के खिलाफ 15 सदस्यीय टेस्ट टीम का स्क्वाड ऐलान ऑफिशियल तौर पर कर दिया गया है। वहीं इस सीरीज में 3 नए खतरनाक और विस्फोटक चेहरे को शामिल कर विरोधी टीम इंग्लैंड को हैरान और परेशान होने पर मजबूर कर दिया है बीसीसीआई ने। तो वहीं 2 तगड़े और खतरनाक बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाकर सभी क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है बीसीसीआई ने। ऐसा करके बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को बाहर कर इन फॉर्म खिलाड़ी को मौका देकर उनके काबिलियत को एक्सपेरिमेंट के तौर पर आकलन करना चाहेगी इस सीरीज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट के दौरान। तो दोस्तों इस सीरीज में इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच कब और कितने बजे से यह मैच खेला जाएगा, साथ ही भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दोनों टीमों के और इस आंकड़े के आधार पर कौन सा टीम किस टीम पर है ज्यादा भारी, साथ ही सिलेक्ट किए गए भारतीय बेहतरीन खतरनाक 15 खिलाड़ियों के मौजूदा परफॉर्मेंस के बारे में जो आपके लिए जानना बन जाता है बेहद जरूरी। तो दोस्तों वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि भारतीय क्रिकेट के हर छोटे बड़ी अपडेट से अपडेट रह सको। तो दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का पहला मुकाबला 25 से 29 जनवरी के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा, तो दूसरा मुकाबला 2 फरवरी के बीच DRYS राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। तो वहीं तीसरा मुकाबला दोनों टीमों के बीच 15 से 19 फरवरी को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में खेला जाएगा। तो वहीं चौथा मुकाबला 23 से 27 फरवरी के बीच JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में खेला जाएगा। और इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक 5वां मुकाबला मैच 17 से 11 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। यह 5वां टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह के 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं भारत बनाम इंग्लैंड के बीच आंकड़े की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 131 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 31 बार जीता है तो 50 बार हरा है, तो वहीं 50 बार ड्रा हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ। तो वहीं विरोधी टीम इंग्लैंड की बात करें तो 50 बार जीता है और 31 बार हरा है, तो वहीं 50 बार ड्रा हुआ है भारत के खिलाफ। कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच आंकड़े की बात करें तो इंग्लैंड का टीम जीत के मामले में आगे है भारत के खिलाफ। वैसे दोस्तों आपके अनुसार किस टीम का पलड़ा भारी है, भारत या इंग्लैंड, कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों 3 नए खतरनाक और विस्फोटक चेहरे को शामिल कर विरोधी टीम इंग्लैंड को हैरान और परेशान होने पर मजबूर कर दिया है। उनमें पहला ऋषभ पंत भारतीय टीम में इंग्लैंड के पसीने छुड़ाने के लिए वापसी हो रही है, तो वहीं दूसरा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की वापसी हो रही है, जो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम के खिलाफ बड़ी बड़ी पारियां खेलने का मादा रखते हैं। तो वहीं तीसरे और टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक अजिंक्य रहाणे की वापसी बीसीसीआई ने कर दी है विरोधी टीम को घुटने पर लाने के लिए। तो दोस्तों वहीं 2 ऐसे खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखाया है, जिन्होंने अपने हाई प्रदर्शन से बीसीसीआई को ही नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस को भी अपने खेल से काफी हैरान और परेशान किया है। उनमें पहले ODI के नंबर 1 बल्लेबाज सुमन गिल हैं, जिन्होंने अपने बल्ले से इस फॉर्मेट में खासा प्रभावित नहीं किया है। तो वहीं दूसरे और भारतीय मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में उभरे खिलाड़ी सुरेश अय्यर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को संभालने के बजाय लंबी पारियां तब्दील नहीं कर सके हैं और जब भी मौके मिले हैं उस अवसर को अच्छे तरीके से भुनाने में अक्सर सफल नहीं हुए हैं सुरेश अय्यर। तो दोस्तों वहीं इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में बात करें तो 2 ओपनर के रूप में पहला रोहित शर्मा को मिला है मौका। रोहित शर्मा के आंकड़े की बात करें तो रोहित शर्मा ने भारत के लिए 148 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इस बल्लेबाज ने 139 की स्ट्राइक रेट और 31 की एवरेज से 3853 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने 4 बड़े शतक भी जड़े हैं। इसके अलावा 29 बार 50 रनों का आंकड़ा पार किया है, जो इस सीरीज में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं इस स्क्वाड के दूसरे ओपनर बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को मिला है मौका। यशस्वी जायसवाल के आंकड़े की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने साल 2023 में ओवरऑल T20 में अब तक 31 पारियों में 42 की औसत से 1173 रन बना चुके हैं, जिनमें 2 शतक और 9 अर्धशतक लगाया है, जो कि बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं बतौर ओपनर बल्लेबाज के रूप में। तो वहीं इस स्क्वाड में 3 धांसू मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को मिला है मौका, जिनमें पहला टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को मिला है मौका। चेतेश्वर पुजारा के आंकड़े के बारे में बात करें तो चेतेश्वर पुजारा ने 17 या इससे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले दुनिया के 6ठे बल्लेबाज बन गए हैं। फर्स्ट
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा 61 शतक और 77 अर्धशतक भी उनके बल्ले से निकले हैं, जो कि बेहतरीन रिकॉर्ड है बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में। तो वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली को मिला है मौका। दोस्तों, विराट कोहली के आंकड़े और रिकॉर्ड के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। वे क्रिकेट के किंग हैं। कोहली ने 115 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4008 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 1 शतक और 37 अर्धशतक लगाए हैं और रन मशीन के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो वहीं इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे को मिला है मौका। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं। इन 85 टेस्ट मैचों में अजिंक्य रहाणे के नाम 5077 रन दर्ज हैं। इस दौरान अजिंक्य रहाणे की एवरेज 38 जबकि स्ट्राइक रेट लगभग 49 की रही है। टेस्ट फॉर्मेट में अजिंक्य रहाणे के नाम 12 शतक दर्ज हैं। तो वहीं इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाज को मिला है मौका, जिनमें पहला बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत की आंकड़े की बात करें तो पंत ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 32 टेस्ट मैचों की 54 पारियों में 43 की औसत से 2169 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक निकले हैं। वहीं 30 वनडे मैचों में 865 रन बनाए हैं। तो वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को मिला है मौका। केएल राहुल के आंकड़े की बात करें तो उन्होंने अब तक 75 वनडे मैच खेले हैं। इसमें 2820 रन बनाए हैं। इस दौरान 7 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। राहुल ने 72 टी20 मैचों में 2265 रन बनाए हैं, जो कि काफी अच्छे रिकॉर्ड है बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में। दोस्तों, दोनों विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल में आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन है, वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वहीं इस स्क्वाड में 4 ऑलराउंडर बेहतरीन खिलाड़ियों को दिया गया है मौका। तो वहीं पहले ऑलराउंडर आर अश्विन है। आर अश्विन के आंकड़े पर बात करें तो आर अश्विन ने टेस्ट में 486, वनडे में 151 और टी20 इंटरनेशनल में 72 विकेट हासिल किए हैं। तो वहीं इस स्क्वाड के दूसरे ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को मिला है मौका। रविंद्र जडेजा के आंकड़े पर बात करें तो जडेजा के वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने 191 वनडे की 138 पारियों में 32 की औसत और 84 के स्ट्राइक रेट से 2675 रन बनाए हैं। इनमें 13 अर्धशतक शामिल हैं। तो वहीं इस स्क्वाड के तीसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मिला है मौका। अक्षर पटेल के आंकड़े की बात करें तो अक्षर पटेल के नाम पहले 5 टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल करने का रिकॉर्ड है। पटेल ने अब तक 5 टेस्ट में 5 बार 5 विकेट हॉल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो वहीं इस स्क्वाड के चौथे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मिला है मौका। शार्दुल ठाकुर के आंकड़े पर बात करें तो उनके नाम 5 बार 5 विकेट लिए हैं। उन्होंने 20 की औसत के साथ रणजी सीजन में सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ 8 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, वहीं इस स्क्वाड में 4 बेहतरीन बॉलर को मिला है मौका, जिनमें पहला मोहम्मद सिराज को मिला है मौका। मोहम्मद सिराज के आंकड़े पर बात करें तो भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए हैं और उन्होंने अपने नाम भी कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। हाल ही में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेला गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 23.2 ओवर में 55 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें मोहम्मद सिराज का बड़ा योगदान रहा था। यह भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की किसी पारी में सबसे छोटा स्कोर था। तो वहीं इस स्क्वाड के दूसरे फास्ट बॉलर के रूप में मोहम्मद शमी को मिला है मौका। मोहम्मद शमी के आंकड़े पर बात करें तो हाल ही के वर्ल्ड कप 2023 में सिर्फ 6 मैच में ही शमी ने 23 विकेट झटक लिए थे, मतलब सबसे ज्यादा विकेट वर्ल्ड कप 2023 में उनके ही नाम है। तो वहीं इस स्क्वाड में तीसरे फास्ट बॉलर के रूप में जसप्रीत बुमराह को मिला है मौका। जसप्रीत बुमराह के आंकड़े पर बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर में कुल मिलाकर 30 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 21 की औसत और 2 की इकोनॉमी रेट से 128 विकेट हासिल किए हैं। तो वहीं इस स्क्वाड में चौथे फास्ट बॉलर के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है मौका। प्रसिद्ध कृष्णा की आंकड़े पर बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा भारत के लिए एक टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 4 ओवर में कुल 68 रन लुटाए हैं। फिर भी इस स्क्वाड में उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए शामिल किया गया है। वैसे दोस्तों, इस सीरीज को कौन सा टीम जीत सकती है, भारत या इंग्लैंड, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।